जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:12 हो गई है। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे पास आज थोड़ा कम समय है, मैंने बोला आज और कल मैं बहुत बिजी हूँ अपने पर्सनल काम से, नॉट स्टॉक मार्केट। तो जैसा मैंने आज आप लोग को दावा किया था कि मार्केट कुछ भी हो जाए ऊपर ही जाएगा, तो आपने आज फिर से एक चमत्कार देखा और एक ताकत देखी एनालिसिस की। सारे एस्ट्रोलॉजर की जी में रोट डाल दिया मैंने, समझ में आया। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। क्लासेस 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, 2 अप्रैल को सैटरडे से, और 24 क्लास आपको मिनिमम मिलेगी 3 महीने के लिए। 35,000 रुपये फीस है, जो चाहे 30 भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर 5,000 इसमें भी डिस्काउंट मिलना है तो ले लीजिए। 3 जन को आज अलाउड करूँगा बस, और कल से बंद, बुकिंग भी बंद हो जाएगी, कल सुबह बंद कर देंगे। फिर तैयारी करनी है सबको, जो भी मैसेज भेजना है वो हो जाएगा। तो अभी सीधा हम लोग पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मार्केट चालू ही है अभी, 15:14, यानी कि 3:14, अभी 15 मिनट का मार्केट बाकी है। तो लेट अस सी द मार्केट फर्स्ट। तो मार्केट आप देख सकते हो लगभग टॉप पे बंद हो रहा है, 275 का फ्यूचर में हाई दिख रहा है और 266 चल रहा है। अभी 3:14 हुई, तो ये आपने साबित देखिए। आज अगर नीचे से आप जोड़ोगे तो 250 पॉइंट खींच लिया है नीचे से, और बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट नीचे से खींच लिया आज का हाई को जोड़ोगे, 800 पॉइंट, जबकि आज आपको सारे लोग मंदी कर रहे थे। ठीक है, मैंने खुला बोला 17,005 के नीचे क्लोज करा दे, मैं शॉर्ट मारूंगा, तुझे क्या मारना है, मैं मारूंगा। अरे गधों अंधों की तरह थोड़ी करूंगा मैं काम। हाँ, कल 450 दिखते मैं निकल जाऊंगा, पूरा पोजीशन काट लूंगा, भले ही वो 500 जाए लेकिन काट लूंगा। अब आजिए आपको एक और चमत्कार दिखाता हूँ। ये शेयर का नाम देखिए UPL, और अप्रैल का फ्यूचर है ये, और ये मार्च का है। मैंने फ्राइडे को आपको अप्रैल का फ्यूचर सेल करवाया था, याद है ना, क्या बोल के करवाया था वो भी दिखा दूंगा। आज इसकी हालत देखो, मार्केट ऊपर है लेकिन ये 782 का लो बना दिया, कल की क्लोजिंग 801 की थी। अब इसका कॉल हम लोग रिमाइंड करते हैं, क्या दिया था मैंने, ये फ्राइडे का ही दिन का, ठीक है, 25 मार्च यानी कि फ्राइडे, ठीक है, क्या था, पोजिशनल सेल अप्रैल फ्यूचर्स UPL का ओनली जब 813 से, जब ये दिया था तब 811 का लो था, हाई था सॉरी, उसके बाद 817.50 का ही हाई बना, 817.50 फ्यूचर्स में, आप चेक कर लीजिए। तो एग्जैक्टली ये लेवल पहले से मुझे पता थे कि इतने इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ शॉर्ट किया, 1300 की इसकी लॉट है, अगर आपने 15 पे भी किया 14 पे किया, आज क्या हाल है इसकी, 780, जबकि मार्केट तेज है, देखा आपने। फिर आज ये वाला कॉल दिया था आपको 17300 का, 78 पे दिया था, 52 का स्टॉप लॉस बोला था, फिर वीडियो में ये भी बोल दिया 41 कर लेना अगर आपको थोड़ा सा ये लगे तो 58 का ही लो रह गया इसका, और ऊपर 129 आ गया, 145 का तो टारगेट दिया था, वो भी बुधवार तक का, ये तो लगता है आज ही हो गया लगभग टारगेट 29 तो आ गया, कल सुबह दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपको परफॉर्मेंस लाइव दिखा। अब आ जाते हैं चार्ट पे, कल क्या होगा फटाफट देख लेते हैं। तो सभी की बोलती बंद हो गई है, तो ये रॉकेट बना दिया भाई, पिन बार कैंडल बनाया, पिन बार बुलिश कैंडल बनाया, तो इसको आप हैमर ही मान लीजिए क्योंकि ये नीचे आ रहा था तब बना, या पिन बार, तो ये कल बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको तोड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है, 450 दिखते ही धड़ाधड़ काट लेना, जा सकता है 500, उसके बाद हमको इंतज़ार करना कि किसी दिन क्लोज करता है क्या 450 के ऊपर, क्लोज करता है तो हम लोग फिर कॉल ऑप्शन के रूप में और तेज़ी करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, बुलिश दिखा रहा है,
नीचे से सबका, इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। इसको कैसे समझते हैं हम लोग, देखिए इस टाइप की कैंडल को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। बियर्स मार्केट को यहाँ तक लेके आए, 17,000 के नीचे लेके आए, लेकिन बुल्स ने पूरा माल छीनते हुए जहाँ आज ओपन किया उससे भी काफ़ी ऊपर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस। तो मार्केट हैज़ रिजेक्टेड द लोअर प्राइसेस एंड फाइनली केम अबोव इट्स टूडेज ओपनिंग एंड इज एबल टू मैनेज इन ग्रीन, मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन। यही हाल बैंक निफ्टी का था। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, कुछ कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं कल के लिए बुलिश हूँ, और कल कौन सा लेवल हमको दिख सकता है वो थोड़ा सा हम कोशिश करके देखने की कोशिश करते हैं। लाइक्स के बटन बहुत मेहनत से दबा रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमको कोई, ऐसा बहुत तकलीफ हो रही है दबाने में। तो गायब हो जाऊंगा फिर तो तुम्हारे नाना दादाजी भी, तुम लोग तो रोओगे, परिवार वाला भी रोएंगे, क्योंकि तुम लोग के पास यही तो काम बचा है, वो भी नहीं बचेगा फिर, ठीक है। कल 342 तो जरूर दिखाएगा मार्केट, 340 और ऊपर जा सकता है, इसकी मर्जी है, लेकिन 340 तो जरूर दिखाएगा कल। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही है, हो गया मेरा आज का व्यू, यही है, क्लियर है। नीचे की बात करना बेवकूफ़ी है अभी, ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स कम से कम भी 2 से 3 हज़ार आने चाहिए, वरना क्या होता है कि जो आदमी आपके लिए दिन रात मेहनत करता है उसकी मेहनत का कोई, अरे आपसे एक एक रुपया नहीं, एक चवन्नी नहीं मांगते यार। खुद सोचो ना यार, तुम मेरी जगह होते तो यहाँ ज्वाइन बटन नहीं लगाते ऐसे चैनल में जहाँ लोग मतलब उसका इंतज़ार करते हैं वीडियो का, वहाँ ज्वाइन बटन लगा दूँ और 1,000 रुपया महीने का भी रख दूँ या 500 रुपया महीने का भी रख दूँ। तो यार मुझे पता है पहले दिन ही 1,000 लोग ज्वाइन करेंगे, कितना, तो 5,500 रुपया महीने से अगर 1,000 रुपया रखा तो 10 लाख कौन आदमी छोड़ता है आज के ज़माने में, देख लीजिए। गिनती के मेरे जैसे पूरे यूट्यूब में या पूरे यूनिवर्स में ऐसे 10-15 लोग ही मिलेंगे जो बोल के छोड़ रहे, ठीक है, और जिनके वीडियो में दम भी, ऐसा नहीं कि खाली बोल रहे हैं, खाली दिखावे का, जिनमें दम है तब बोल रहे हैं। मतलब मेरा वीडियो की कीमत एक्चुअली देखा जाए तो हर एक वीडियो की 50,000 रुपये कीमत है आपके लिए, जितने आप वो कॉल सर्विस में पैसा देते हो, इस वीडियो की कीमत उनसे महीने, उनके जो साल की फीस है उससे ज़्यादा एक वीडियो की कीमत है। दैट्स इट, जय जिनेंद्र, जय।